नमस्कार, मैं बलजी ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज करते हैं ट्रिक ऑफ द डे मैथमेटिक्स रिलेटेड पार्ट 39। ये क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और कई बार एसएससी सीजीएल में एसएससी के एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं। तो स्टूडेंट के सामने क्या चैलेंज होता है कि अगर उसको सोल्व करने का तरीका पता है तो वो सोल्व होगा, वरना ये लंबा खींचने वाला बात नहीं होगी। तो इसका मतलब इसके बारे में जो फॉर्मूला मेथड या ट्रिक है वो आपको पता होना चाहिए, वरना यस नो में इस पे आंसर फैसला होना करना पड़ेगा आपको एग्जाम में। तो देखिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वेश्चन है, मिनिमम वैल्यू ऑफ, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? तो आपने सातवीं आठवीं क्लासेस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो पढ़ी होगी, और वो इक्वेशन होती है वो इस फॉर्मेट में होती है हमेशा, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और सी। मिनिमम वैल्यू तब होगी जब ए की वैल्यू हमेशा है वो जीरो से ज्यादा होगी, और मिनिमम वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर और फोर ए। ये आपको याद रखना है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद आया एग्जाम में तो आपका ये क्वेश्चन इस तरह के आते हैं वो सोल्व हो जाएंगे, वरना सोल्व नहीं होंगे। तो इस क्वेश्चन को शामिल करने का मकसद इसमें, इस सीरीज में, वो यही है कि आप कुछ एक चीज़ें याद रखो, ये बताने के लिए है, और वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। याददाश्त भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, वो हेल्प करेगा। तो देखिए, इसको पहले तो हम इस फॉर्मेट में लाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो क्या करेंगे, इसकी इन दोनों फैक्टर के आपस में गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, इसकी रिस्की गुणा, माइनस नाइन एक्स माइनस टू एक्स, और माइनस प्लस हो जाएगा 18। दूसरे शब्दों में एक्स स्क्वायर माइनस 11x और प्लस 18। आपको ये इस फॉर्मेट में भी क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम में, आपको इस फॉर्मेट में भी क्वेश्चन मिल सकता है, किसी भी फॉर्मेट में मिल सकता है, लेकिन आपको इस फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए माइंड में, और ये फॉर्मूला है वो आपको आना चाहिए। तो अगर ये फॉर्मूला आता है तो देखो कितना आसान हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्या है, ए ये बी है, देखो ए की वैल्यू कितनी है इसमें, एक, बी की वैल्यू कितनी है माइनस 11, और सी की कितनी है 18। इसका मतलब इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 इंटू सी कितना है 18, और माइनस माइनस 11 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू ए, ए कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 72 माइनस 121 डिवाइड बाय 2। दूसरे शब्दों में 11 में से दो गए 9 और 4, ये आ जाएगा 49, माइनस 49 बाई 4 है, सी इसका आंसर हो जाएगा। हमने यहाँ पे क्या चीज़ देखी, हमने यहाँ पे एक चीज़ देखी इस क्वेश्चन में कि ये पता होना चाहिए। ये पता होने के बाद तो आपको सीधी वैल्यू पुट करनी है, बस इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर अगर क्वेश्चन ये आता है x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, तो आप क्या करेंगे, आप इसको करके देखिए, जिससे आपको पता चल जाए, ये आप फॉर्मूला याद हो जाएगा। ऐसे ही आप लिख सकते हैं अपने आप ही, x माइनस 2 x माइनस 4, इसकी वैल्यू आप इस फॉर्मेट में बनाएंगे और फिर वैल्यू पुट करेंगे। तो इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आते हैं, या सीधा इसमें भी दिया जा सकता है, जैसे हमने दिया था इस रूप में भी ये क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। एक दो आप वैल्यू पुट करके देखिए इसमें, इस सॉल्व करके देखिए इस फॉर्मूले के माध्यम से, जब यूज करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, जो कि हमारा पर्पज था। तो इससे आप मैथ को इजी, कॉन्सेप्चुअल और ट्रिकी है वो बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन, ऑल द बेस्ट।